दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सब डॉक्टर संजय सिंह। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस के बारे में, जिसको कॉमनली कीगल एक्सरसाइजेस कहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि हर चार में से एक महिला में यूरिन इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होती है, उसे अपना यूरिन कंट्रोल करने में दिक्कत होती है, यूरिन का लीकेज हो जाता है, या फिर ऐसा फीलिंग आता है कि वजाइना से कुछ बाहर आ रहा है, कोई पार्ट वजाइना का बाहर आ रहा है। अगर आपको ये लक्षण आ रहे हैं तो मतलब आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो वीक हो चुकी हैं, कमज़ोर हो चुकी हैं। तो इन पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं उसको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस या फिर कीगल एक्सरसाइजेस कहते हैं। तो आज मैं आपको डिटेल में इसी के बारे में बताने वाली हूँ कि क्या होता है, इसको आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन लोग हैं जो इसको परफॉर्म कर सकते हैं, किस टाइम में करना होता है, सारी गाइड मैं आपको देने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कीगल या फिर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस के बारे में। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पेल्विक फ्लोर क्या होता है और हमारा पेल्विस क्या होता है। तो जो आपके दो हिप्स होते हैं उनके बीच के एरिया को पेल्विस कहते हैं, और इस पेल्विस के जो फ्लोर होता है उसको पेल्विस फ्लोर कहते हैं। पेल्विक फ्लोर होता है उसमें बहुत सारे मसल्स और टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक तरीके का स्लिंग या फिर हैमक टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें से फीमेल्स में, महिलाओं में तीन ओपनिंग होती है पेल्विक फ्लोर मसल्स में। एक होती है यूरिनरी ओपनिंग, यानी फिर आपके यूरिन के लिए जो ओपनिंग होती है उसको यूरिनरी ओपनिंग कहते हैं। दूसरा होता है वजाइनल ओपनिंग, और थर्ड होता है एनल ओपनिंग। तो इस पेल्विक फ्लोर मसल्स में तीन ओपनिंग महिलाओं में पाई जाती है। इन पेल्विक फ्लोर मसल्स के कमज़ोर होने का कारण क्या होता है? तो कारण होता है महिलाओं में, स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर डिलीवरी के टाइम पे, जिन लोगों में फोर्सेप्स डिलीवरी होती है या फिर वैक्यूम डिलीवरी होती है, उसकी वजह से डैमेज हो जाता है और पेल्विक फ्लोर मसल्स कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, क्रोनिक कफ की प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। आप ओवरवेट हैं तो ये भी आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स को कमज़ोर कर सकता है। इसके अलावा नॉर्मल एजिंग के प्रोसेस में भी पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है कमज़ोर हो जाती हैं। मेनोपॉज के बाद पेल्विक फ्लोर मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, या फिर आपकी कोई सर्जरीज हुई हैं, कोई भी आपकी हिस्टेरेक्टमी हुई है, कोई भी पेल्विस के एरिया में सर्जरी हुई है, तो उसकी वजह से आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। अब अगर मसल्स कमज़ोर हो गई हैं तो आपको लक्षण क्या आएंगे? लक्षण ऐसे आते हैं कि आपको यूरिनरी और बाउल इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, यानी कि आपको यूरिन और मोशन को कंट्रोल करने में दिक्कत आती है, इनवॉलंटरी आपको यूरिन और मोशन पास हो जाता है। पेशेंट ऐसे भी फील करते हैं कि गैस जो पास करना होता है वो भी इनवॉलंटरी पास हो जाता है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। इसके अलावा कई बार वजाइना में लैक्सिटी फील होती है, स्पेशली डिलीवरी के बाद महिलाओं में वजाइना जो है लूज हो जाती है, लैक्स हो जाती है। साथ ही साथ कई बार ऐसा लगता है कि वजाइना जो है प्रोलैप्स कर रही है, तो इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। अब कीगल एक्सरसाइज की बात करें तो कीगल एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि आइडेंटिफाई करना, जो मसल्स आपको स्ट्रेंथन करना है उस मसल को आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं वो अंदर प्रेजेंट होती हैं, बाहर नहीं होती, जैसे कि हमारे हाथों की मसल्स हो गई। तो अगर वो अंदर प्रेजेंट है तो उसको सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। ये जो मसल्स होती हैं ये बेसिकली जो यूरिनरी ओपनिंग है, वजाइनल ओपनिंग है और एनल ओपनिंग है, इन्हीं के अराउंड प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले यूरिनरी जो आपकी ओपनिंग है उसके अराउंड की मसल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप यूरिन पास करते हैं तो मिड में आप रुक जाइए, बीच में आप रुक जाइए। तो जो मसल्स आपके यूरिन को बीच में कंट्रोल करने में हेल्प कर रही है वही आपकी मसल्स हैं, और आपको उसी के लिए एक्सरसाइज करनी है। लेकिन आपको ऐसे ही रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करना है कि आप मिड में अपना यूरिन कंट्रोल कर लें और एक्सरसाइज करें, क्योंकि इससे आपको
यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है। और जब भी आप कीगल एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ब्लैडर हमेशा एम्प्टी रखना है, ब्लैडर खाली रखना है एक्सरसाइज से पहले। तो आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए आप ये प्रोसेस कर सकते हैं कि मिड वे आप यूरिन को रोक लीजिए, और जो मसल्स आपको फील होते हैं कि इसको रोकने में हेल्पफुल है वो मसल्स हैं आपकी, उसको आपको एक्सरसाइज करना है। दूसरा जो है आपकी वजाइनल ओपनिंग के अराउंड जो मसल्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे फील कीजिए कि जैसे आप अपनी वजाइनल ओपनिंग को क्लोज करने का ट्राई कर रहे हैं, ऐसे फील कीजिए। साथ ही में अपनी जो वजाइना है उसको अपवर्ड आप ऐसे फील कीजिए कि आप अपवर्ड उसको खींच रहे हैं ऊपर की तरफ, नेबल की तरफ। तो इस तरह आप अपनी वजाइनल ओपनिंग की जो मसल्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अपनी एनल ओपनिंग के अराउंड की जो मसल्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप ऐसे फील कीजिए जैसे आप मोशन आ रहा है आपको, आप इसको कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हैं, या फिर आपको गैस पास हो रहा है आप उसको ट्राई करने के कंट्रोल कर लें। इस तरीके से आप थोड़ा सा अपनी एनल ओपनिंग को जो है थोड़ा सा स्क्वीज कीजिए। तो ये हो गई आपकी तीनों जो ओपनिंग्स हैं उसके अराउंड की मसल्स, आपको बेसिकली इन्हीं मसल्स पे काम करना है। अब बात करते हैं कि केगल एक्सरसाइज करनी कैसे है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, सबसे पहला प्रोसेस तो वही है कि आपको राइट मसल्स आइडेंटिफाई करनी है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसको एक्सरसाइज को करने के लिए आप किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन में कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ट्राई कीजिए कि किसी प्राइवेट जगह पे कीजिए जहां आपको एम्बैरेसमेंट फील ना हो कि आप सही से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इनिशियली आपको क्या करना है कि अपनी जो ये मसल्स हैं इनको स्क्विच करना है, 1 2 3 काउंट करना है, 3 सेकेंड तक आपको रोक कर रखना है, उसके बाद रिलीज कर देना है। इसके बाद आपको एक डीप ब्रेथ लेना है, गहरी सांस लेना है और रिलैक्स करना है। फिर से आपको यही प्रोसेस करना है, अपनी जो ये मसल्स हैं जो यूरिनरी ओपनिंग के अराउंड है, वजाइनल ओपनिंग के अराउंड और एनल ओपनिंग के अराउंड, इन मसल्स को आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, स्क्विच करना है और उसके बाद 1 2 3 काउंट करना, फिर रिलीज कर देना है। तो ये आपको एक्सरसाइज करनी है। इनिशियली आप 3 सेकेंड के लिए कीजिए, फिर धीरे धीरे करके आप इसका टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, 5 सेकेंड 10 सेकेंड कर सकते हैं। और एक दिन में आप 3 सेट कीजिए जिसमें कम से कम आप 8 से 10 एक्सरसाइजेज कीजिए। तो इससे आपको धीरे धीरे करके आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती जाएंगी, और आपकी जो यूरिन इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम है, बाउल इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम है, यूरिन लीकेज हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगी। एक्सरसाइज को करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपका ब्लैडर पूरी तरीके से एम्प्टी होना चाहिए, पूरी तरीके से खाली होना चाहिए। अब बात करते हैं कि एक्सरसाइज कर कौन सकता है। एक्सरसाइज किसी भी एज की फीमेल्स कर सकती हैं। अगर आपको कोई पैथोलॉजी डेवलप हो गई है उसके बाद आप करते हैं तो शायद ये इतना हेल्पफुल नहीं रहता, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही इस एक्सरसाइज को अपना एक डेली रूटीन बना लेते हैं तो आपको किसी तरह की पैथोलॉजी डेवलप नहीं होगी। अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम ये करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी में आपको यूरिन इनकॉन्टिनेंस होता है या यूरिन लीकेज होता है उसमें हेल्प करेगा, या फिर आपकी डिलीवरी में भी हेल्प करेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होती है, सारी ही फीमेल्स को ये करना चाहिए, और ये कहीं भी आप कर सकते हैं, अपने ऑफिस में आप बैठे बैठे कर सकते हैं। बहुत तरह की एक्सरसाइजेस का आपने पढ़ा होगा, ये एक्सरसाइज होती है जो पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन करती है, लेकिन कीगल एक्सरसाइज वही है जो आपको करते हुए कोई देख ना पाए, ये सिर्फ आपको फील हो कि आप कर रहे हैं, बाहर से कोई भी पता ना लगा पाए आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसको करते हुए आपको लोग देखें कि आप कर रहे हैं वो कीगल एक्सरसाइज नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मेल्स के लिए भी कीगल एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, अगर उनको यूरिन इनकॉन्टिनेंस है, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की वजह से प्रॉब्लम्स है, या फिर उनको सेक्सुअल वीकनेस रहती है, तो ऐसे में मेल्स में भी कीगल एक्सरसाइजेस बहुत हेल्पफुल होती हैं। फिर फीमेल्स को रेगुलर कीगल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, और अगर आपको कीगल एक्सरसाइज करते हुए आपकी एब्डोमेन में दर्द रहा है, पेट में या फिर कमर में या फिर आपके बटक्स में दर्द होता है, तो आप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। राइट वे में आप करेंगे, राइट एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इससे फ़ायदा आपको 2-4 वीक में भी दिख सकता है या 2-4 मंथ भी लग सकते हैं, क्योंकि कोई भी मसल है उसको स्ट्रेंथ होने में थोड़ा सा टाइम लगता है।
तो आप ये रेगुलर अपना रूटीन बनाइए कि कीगल एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपको किसी भी तरह के प्रोलैप्स या फिर किसी भी तरह का यूरिन बाउल इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरी है, सजेशंस है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सारी ही फीमेल्स को इसका बेनिफिट मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।